हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारा लास्ट डे गोवा में। तो हम लोग सुबह, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हम सुबह उठेंगे, फिर मैं नहीं उठती हूँ और क्या कहते हैं, फिर वही लेट हो जाता है जाने को, सब जगह लेट हो जाता था। आज मैं उठ गई जल्दी, मतलब मेरा बहुत जल्दी नहीं हुआ है, वो जल्दी भी मेरा 8 बजे हुआ है। और फिर मैं उठी और एक्चुअली हुआ क्या ना, कल रात को हम लोग जाने वाले थे। मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि हम लोग आज रात को पार्टी के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पता वता किया था, हम लोग रूम पे आए, मैं थोड़ी देर ऐसे हुई और मैं ऐसे ही हो गई, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, मैं सोई रह गई। पता है, मैं सोई और मैं सुबह मतलब 9 बजे सो गई, समझो 9 बजे मैं ऐसे सो गई थी। उसके बाद सुबह उठी हूँ 8 बजे, मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी नींद काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा आज मतलब कल रात का मिस कर दिया, बट आज सुबह का तो मिस नहीं करूँगी। तो मैं उठी जल्दी, मैंने फ्रेश वगैरह हुई और मैं सीधा आ गई हूँ बीच पे वॉक करने के लिए। और यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है सुबह सब कुछ। और आज उसके बाद हमको अभी थोड़ी देर में निकलना है पुणे के लिए। ट्रेन है शाम को 3 बजे की, उससे पहले निकल जाएंगे। क्या करेंगे क्या नहीं पता, अभी कुछ हमने डिसाइड नहीं किया है। पर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, मॉर्निंग व्यू। वो है मंकी आइलैंड, ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे पहले मंकीज होते थे, अभी काफी कम है बता रहे हैं, पर वहाँ पे पहले मंकीज होते थे, तो उसका नाम मंकी आइलैंड है। तो अभी हमें पूछने आए थे कि आपको बोटिंग करनी है ये वो करके, बट नहीं, बोटिंग तो नहीं करनी है हमको, हमने उस दिन कायक किया था। तो हम अभी सोच रहे थे शायद फिर से कायकिंग के लिए जाए वहाँ पे, देखते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा। सो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और हम अभी चेकआउट वगैरह कर लिया, हमने पैकिंग वगैरह सब हो गया और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने जब बैठे हुए थे वहाँ पे रशियंस लोग भी डोसा वगैरह खा रहे थे। उसके बाद हमने उत्तपम वगैरह मंगाया था, बड़ा सांभर डोसा। तो हमको आके पूछते व्हाट आर यू ईटिंग, विच इज़ दिस डिश, कैन यू टेल मी ऑन दिस मेन्यू। तो हमने उनको बताया ये उत्तपम है, ये सब बहुत अच्छे से वो लोग डोसा वगैरह खा रहे थे ना, मुझे लगता है कल वो उत्तपम ट्राई करने वाले हैं, तो ये सब पूछे थे हमको। उसके बाद हम आ गए थे, अभी एक राउंड मारने जा रहे हैं कहाँ पे, बीच को बाय बाय बोलने के लिए, एक बार फाइनल बीच देख के फिर निकल जाएंगे। और हमने टिकट किया विस्टाडोम की, विस्टाडोम ट्रेन यहाँ से है गोवा टू मुंबई, और विस्टाडोम ट्रेन थोड़ी बाकी ट्रेन से थोड़ी डिफरेंट रहती है। 180 डिग्री उसका चेयर पूरा घूमता है, फ्री वाईफाई, काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ है अंदर भी। तो एक सोचा कि चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, हमें एकदम से टिकट्स अवेलेबल मिल गई थी तो हमने कर ली, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका भी, और दिखाऊंगी मैं आपको सब कुछ उसके बारे में भी। ओके, तो ये आ गई है हमारी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, और इसमें हमने किया है विस्टाडोम। तो हम लोग जाएंगे इसमें गोवा टू मुंबई, और ये ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी थी और इसमें अंदर क्लीनिंग वगैरह चल रहा था, डोर्स वगैरह बंद करके। तो फिर काफ़ी एक्साइटमेंट थी अंदर, कैसा होगा क्या होगा ये मैं देख रही थी, कि जितना एक्साइटेड हम थे उतना ही एक्साइटमेंट बाकी लोग भी जो बाहर खड़े थे, वो अंदर देख देख के ऐसा देख रहे थे कि कैसा है अंदर, सीट्स वगैरह सब कुछ, काफ़ी एक्साइटेड थे बाकी के लोग भी। तो देखते हैं अंदर कैसा है क्या है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आई होप कि एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा हमारा।
तो इसमें था मल्टी लेयर्ड स्टेनलेस स्टील लगेज और सूटकेस रैक, ऑटोमेटिक सेंसर डोर, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ट्रेन, रेड सीट्स के साथ, बड़े बड़े विंडो पैनल्स हैं इसमें, वाओ। तो चलिए अपनी सीट पे जाकर बैठते हैं और इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा लेते हैं। ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेक श्योर कर रहे थे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। सबसे पहले हमें मिला था पानी और मैं दिखाऊंगी आगे क्या क्या मिला हमको। तो ये है वॉश बेसिन, मिरर, नीचे डस्टबिन, वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे और पेपर शीट्स भी अवेलेबल थे। अगर आपको टॉयलेट शीट में यूज़ करने थे तो पेपर शीट्स भी अवेलेबल थे, वॉशरूम्स क्लीन थे। तो सीट्स के साथ आते हैं अटैच्ड डाइनिंग ट्रे, इसको ओपन करके आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं आराम से, कुछ और काम करना वो भी कर सकते हैं। और सीट के नीचे आते हैं चार्जिंग प्लग्स। तो खाना तो हम बाहर से पैक करा के लाए थे, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ खाना खाने का मज़ा और ज़्यादा डबल हो गया है। तो लेट्स इन्जॉय अवर मील। और 5:30 छः के अराउंड हमको मिला हमारा स्नैक, जिसमें था फ्रूटी चिक्की कचौरी और उसके साथ मिला था नमकीन। तो चलिए लेते हैं विस्टा डोम का असली मज़ा। ये घुमा दी हमने अपनी सीट और इससे हम और अपने सफ़र का और ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ या बहुत बड़े ग्रुप के साथ आए हैं तो आप सीट को और थोड़ा इधर घुमा के आमने सामने भी कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। एक बार तो विस्टा डोम का एक्सपीरियंस लेना बनता था। एक बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टिकट्स मुझे काफ़ी महंगी लगी, जहाँ अच्छे से थर्ड एसी का सो के आराम से आ सकते हैं 900 या उससे कम में, वहीं विस्टा डोम की टिकट हमारी हुई 2600 समथिंग की, 2700 की, और उससे आगे ये मुंबई तक है, उससे आगे हमें पुणे भी जाना है कैब करके। तो मुझे लगता है अगर हम फ्लाइट से डायरेक्ट भी जाते तो 3,000-3,500 के अंदर आ जाता हमारा फ़्लाइट, बट कोई ना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इसका। तो अभी कुछ तो बज रहे हैं 5:30-6:30 और आगे हमारा सूप। वाओ, खाते पीते ट्रैवल करने में तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी सूप के बाद हो गया डिनर का टाइम, बज रहे हैं 10:00 और आगे हमारा डिनर। डिनर में है, चलिए देखते हैं क्या है, राइस, इसमें है पनीर, पनीर की सब्ज़ी वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेज के लिए शायद चिकन, और इसमें क्या है, इसमें है स्वीट सीरा, और इसमें है आई थिंक दाल, यस इसमें है दाल, इसमें है हाँ छोले और आलू की सब्जी, कर्ड, और इस पैकेट में है रोटियाँ। वाह टेस्टी दिख रहा है, खा के भी देखते हैं कैसा है अभी। सुकून सुकून सुकून, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा है अभी अपने बेड में आके। मुझे बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है और बस इतना इतना शांति मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है इस रूम पे लेट के अपने बेड में आके, पूरा इतना ऑलमोस्ट अभी 5:40 के अराउंड हो रहा है, 5:41 हो रहा है। तो इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल के बाद अपने बेड में आना और पार्ले जी खाना मुझे बहुत सुकून देता है। आई लव टू ईट पार्ले जी, मुझे पार्ले जी खाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मैं आई, मैंने नहाया,
उसके बाद सीधा पकड़ा पाड़ लीजिएगा पैकेट और आपसे बात करने के लिए आ गई। तो ये था मेरा गोवा से पुणे आने का सफ़र, और ट्रेन भी मैंने आपको सब दिखाई, कितनी अच्छी ट्रेन थी ना, सब कुछ मिला उसमें हमको, खाना पीना स्नैक्स सूप। मैं पता है सूप के टाइम पे भैया के पास गई, मैंने कहा भैया चाय मिलेगी ऐसे करके, तो बोलता नहीं मैडम नहीं मिलेगी, बोलता सूप ला रहा हूँ मैं ऐसे करके, बहुत खुश होकर उन्होंने बोला ऐसे कि सूप ला रहा हूँ मैं ऐसे, जाओ जाओ सीट पे जाओ ऐसे। तो भैया भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो सर्व कर रहे थे, सब कुछ सब चीज़ का ध्यान रख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो भी। तो बस ये था, अभी आ गई हूँ और कल शायद मैं जाऊँगी कहीं और, कहीं और मतलब मेरी एक मासी है यहाँ पे, उनका कॉल आया था मुझे शाम को कि उनके यहाँ पे कुछ तो कथा वगैरह है सत्यनारायण की पूजा, तो फिर उन्होंने बुलाया है खाने पे। एंड तो ये सब है, कल का कल देखते हैं, मेरी नींद खुली तो मासी मैं आऊँगी ज़रूर, और क्या कहते हैं अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हम बस ये सब है, और इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, विस्टा डोम ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब आजकल ट्रेंड में है, लोग देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ताकि वो भी नेक्स्ट टाइम ट्रेवल कर सके। काफ़ी लोग ट्रेवल कर चुके हैं, काफ़ी लोग करने को है बाकी, सो आप देखिए मेरा और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ प्लीज़। और आपको पसंद आया अगर मेरा वीडियो जिस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसी के साथ जस्ट एंड, और अगर नहीं और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं जो कि है स्वाति की डिजिटल डायरीज। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।